Hey guys, welcome to my YouTube channel. और guys, हम आगरा से निकल के पहुँच चुके हैं मथुरा, बट हम स्टे करने वाले थे, बट सडनली हमारे ना माइंड में थोड़ा सा चेंजेस आ गया. हमने सोचा कि हम स्टे नहीं करते हैं यहाँ पे, सब गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आ रहे थे, तो हमने अपना जो दिमाग है वो चेंज कर लिया और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए. तो अभी रात के बज गए हैं 12 और हम चले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने. सो आगे की वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ और देखिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं. ये देखो हमारी टीम जा रही है बैग पकड़ पकड़ के. अभी हम जाएंगे एक लॉकर ढूंढेंगे, दिन अपने बैग रखेंगे और उसके बाद जाएंगे हम गोवर्धन पर्वत. और एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई लो, सो मैं थोड़ा कम ही सीन ले पाऊँगी शायद. यहाँ पे हम एंट्री करेंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए. उससे पहले हमने अपने चप्पल, क्योंकि यहाँ पे खाली पे जाना चप्पल और बैग से यहाँ पे लॉकर में जमा करा दिए हैं और अब हम जा रहे हैं. ये देखो आप यहाँ का देखो माहौल, देखो कैसे रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिन के 4-5 बज रहे हैं. देखो पूरे अंकल आंटियाँ बच्चे सब जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस. गाइस ये देखो मेरे चेहरे पे लगा दिया है राधे राधे, चंदन से राधे राधे लिख लिया है और अब हम चलते हैं राधे राधे के पास. यहाँ पे परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर परिक्रमा. सो अभी चलिए परिक्रमा. गाइस ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे सो सो के परिक्रमा कर रहे हैं. ओह माय गॉड, आपको पता है ये 21 किलोमीटर ऐसे जाते हैं लोग, ऐसे परिक्रमा करते हैं ये. गाइस ये देखो थकने पे हम यहाँ पे बैठे हैं चाय पीने के लिए अभी, और इधर देखो सब जा रहे हैं. ये देखो हम लोग ना पैदल परिक्रमा तो नहीं कर पा रहे, सो इसलिए हम लोगों ने बुक कर ली है. गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर ली है और अब हम आते हैं सोने के लिए. और हमने लिया है एक सेवा सदन में, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला. हाँ, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत कम है, एक ही दो होटल हैं और वो आउट ऑफ बजट जा रहे थे. एक रूम के 5000 पे करने पड़ रहे थे, इतना तो हम पे नहीं कर सकते. सो हमने ये अच्छा सा धर्मशाला बुक किया है और ये बहुत ही सस्ता है, ठीक है. तो इसका जो टूर है वो मैं सुबह कराऊंगी, अभी तो नहीं कराऊंगी. तो तब तक सो जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद और सुबह मैं आपको रूम दिखाती हूँ. ओके बाय.